चलिए आपको सीधे ले चलते हैं चंडीगढ़, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल विशेष संवाद कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। मॉनिटरिंग को करके हम उसका फॉलोअप भी लेते हैं, उस फॉलोअप में जो है लाभ मिला है। अगर मैं उन 36 योजनाओं की बात करता हूं, जो योजनाएं आप लोगों के यानी सुझाव के माध्यम से मैंने लागू की हैं, बहुत सी उसमें लागू जो हो गई हैं, मुझे ध्यान है कि मई महीने में एक बच्चे ने एक छात्रवृत्ति की बात की और उसने कहा कि 9वीं से लेकर 10वीं तक मिलने वाली 7000 रुपए की राशि, 11वीं से 12वीं तक मिलने वाली 7750 रुपए राशि और उच्च शिक्षा के लिए 8500 रुपए की राशि, ये तीन श्रेणियों में मिलती है। लेकिन इसके अंदर श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा जो राशि दी जाती है वो कुछ ज्यादा है। और तब ध्यान में आया कि उसका अंतर कहीं 3000, कहीं 2500, कहीं 2000, तो हमने एक साथ उसी दिन और सब योजनाओं को मिला करके ये राशि बढ़ा करके सबके लिए और 2500 रुपया कर दी। ऐसे ही पंजीकृत श्रमिक के जो शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम और दिव्यांग बच्चे, उनको जो राशि मिलती थी वो 2500 रुपये मिलती थी और उसको भी बढ़ाने की जब बात आई तो केवल इस सुझाव को सुनकर के हमने उसको भी 3000 रुपये मासिक कर दी। दो जिले, दो गांव, रेवाड़ी जिले का निमोठ गांव, पलवल जिले का औरंगाबाद गांव, उसके आर्य समाज मंदिर, वहां से मांग आई कि पुस्तकालय शुरू किया जाए। हमने उसी समय निर्देश दिए कि यहाँ पुस्तकालयों की आवश्यकता है तो यहाँ पुस्तकालय शुरू किए जाए। इस बातचीत के आधार पर ये जो परिणाम निकल रहे हैं, एक बंधु ने हमारे जो किसान थे उन्होंने कहा कि सोलर पंप की शिफ्टिंग इसका भी प्रावधान नहीं है। हमने तुरंत, क्योंकि ये काम भारत सरकार का है, तो भारत सरकार को डीओ लिखा और उस डीओ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, उनको ये काम दिया जा चुका है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसको इसकी परमिशन हमको ये मिल जाएगी। एक बार हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इनसे बातचीत की और उसके अंदर बहुत सी सुझाव जो दिए गए कि एक तो इनको काम करने के लिए जो तालाब में मछली पालन का काम है अथवा पंचायत की जमीन को ठेका लेने का विषय है तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को रियायत दी जाए। हमने तुरंत 10% की रियायत देने की ये घोषणा की और वो लागू हो चुका है। ऐसे ही बस स्टैंड की जो दुकानें हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप को अपना सामान बेचने के लिए कुछ स्थान मिले, वहां पर 10-25% जो दुकानों का आरक्षण केवल सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए ये कर दिया गया। इसी प्रकार दुकानें जो नीलामी में दी जाती हैं उसमें भी सेल्फ हेल्प ग्रुप को और 10% की रियायत ये की है। तो ऐसे एक ही दिन के अंदर 4-5 जो सुझाव आए उनको हमने लागू किया। अनियमित कॉलोनियों के बारे में एक समस्या रखी गई कि वहां पर बहुत सी कॉलोनियां ऐसी होती हैं जहां रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन यही नहीं बनी होती, तो रेगुलराइजेशन के लिए अप्लाई करने की जो शर्त थी वो आरडब्ल्यूए के द्वारा की जाती थी और उसी समय हमने इस प्रावधान को हटा दिया कि अब कोई भी दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति उस कॉलोनी के मिलकर के और रेगुलराइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो रेगुलराइजेशन की पॉलिसी को वहां भी लागू कर दिया जाएगा। ऐसे ही हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण जो जमीन खरीद करके और यानी एक प्रकार से जो सेक्टर बनाते हैं उसमें जो उनके मकान बनते हैं तो उसका प्रॉपर्टी आईडी, क्योंकि पहले जमीन होती है एक एकड़ के हिसाब से लिखा जाता था, मकान बनने का प्रॉपर्टी आईडी बनना आसान नहीं था। हमने तय किया कि जब तक वो खाली जमीन है तब तक तो एकड़ के हिसाब से प्रॉपर्टी आईडी बने, लेकिन जैसे ही फ्लैट बनकर के तैयार हो जाए तो पहले उस फ्लैट की प्रॉपर्टी आईडी वो स्वयं बनाएंगे, उसके बाद उसको अलॉट करेंगे और ये काम लागू हो चुका है। कोई डेवलपर यदि मकान बनाकर बेचेगा तो पहले वो जितने मकान बने हैं उन मकानों की वो आईडी बनवाएगा और प्रॉपर्टी आईडी बनने के बाद ही उसको हम लागू करेंगे। एक विषय था कि प्रगतिशील किसानों से जो बातचीत हुई उन्होंने कहा कि वियतनाम में ट्रेनिंग पर बहुत से किसान जाना चाहते हैं। तुरंत हमने विभाग को निर्देश दिए कि उनको कोई ना कोई सब्सिडी दी जाए और प्रगतिशील किसानों के लिए और प्रगति यानी किसान कल्याण विभाग इसकी योजना बना रहा है, बहुत जल्दी इसको भी इसकी घोषणा कर दी जाएगी। ऐसे ही फसलों में जब बाढ़ आने के बाद खेती में नुकसान हुआ उसका मुआवजे के साथ साथ जो दोबारा बिजाई करते हैं उनको भी कुछ राशि मिलनी चाहिए। जब ये बाढ़ आई थी तो उस समय एक बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर लगभग 50,000 एकड़ जमीन ऐसी थी जहां लोगों ने दोबारा बिजाई की, उस सुझाव के आधार पर ही दोबारा बिजाई का भी हमने 7,000 रुपया एकड़ तुरंत उसकी योजना बना करके और ये राशि जो है 34 करोड़ रुपया मुआवजे की राशि दी जा चुकी है। तो मित्रों, योजनाएं बहुत हमको जो मिलते रहे सुझाव उसको हम करते रहे हैं।
एक बार डिपो धारकों से मैंने बात की, डिपो धारकों ने कहा हमारी कमीशन कम है। उसी क्षण उसी कार्यक्रम के अंतर्गत हमने घोषणा की कि अभी जो 150 रुपया यानी प्रति क्विंटल जो डिपो धारकों को कमीशन मिलता है उसको बढ़ा करके 200 रुपया प्रति क्विंटल किया गया है। तो ऐसे ही डिपो धारकों को केंद्र सरकार से जो कमीशन आती है वो देरी से आती है, तो हमने ये भी उस समय एक वादा किया था कि भले ही केंद्र सरकार देरी से देती है लेकिन हम उसको हरियाणा सरकार से टाइमली देंगे और केंद्र सरकार से पैसा बाद में भी आएगा तो प्रदेश सरकार उस देरी के हिसाब से उसको एडजस्ट करेगी। तो राशन डिपो जितना उनका राशन यानी राशन डिपो धारक जो बांटेंगे उतना कमीशन महीने के आखिर में उनको तुरंत दे दिया जाएगा, इसमें जो है देरी नहीं होगी। इसी प्रकार से शहरी आवास योजना, इसको इसकी जो किस्त थी तीसरी किस्त वो नहीं दी गई थी, तुरंत विभाग को हमने निर्देश दिए 31 अगस्त तक तीसरी किस्त अब सबको मिल चुकी है, कोई इसमें बकाया नहीं है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना, जिन गरीब परिवारों के पास मकान अभी नहीं है उनको मकान देने के लिए भी हमने योजना बनाई है और जिस पोर्टल को लागू किया है अभी 2,90,000 लोगों ने उसमें आवेदन किया है और मैं मानकर चलता हूं कि जनवरी के पहले 15 दिन में इस योजना को लोड करके और जिनको मकान मिलने हैं उनके लिए उस योजना को बना करके दे दिया जाएगा। इसी प्रकार एक विषय जो बीपीएल के नाते से जो बिजली के बिल की शर्त ये 12,000 रुपये वार्षिक लगाई गई थी तो उस 12,000 की शर्त को हमने हटाने की घोषणा की थी यानी